गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फुटबॉल ग्राउंड का मेजरमेंट क्या होता है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हाउ टू प्ले फुटबॉल गेम, फुटबॉल को खेला कैसे जाता है। तो आइए हम देखते हैं फुटबॉल को कैसे खेलते हैं। ये जो ग्राउंड आपको कल मैंने बताया था, इसमें फुटबॉल खेला जाता है। ये होती है, ये होम होता है, ये फर्स्ट बेस होता है, सेकंड बेस होता है, थर्ड बेस होता है, ये आपको मैं कल बता चुका हूँ। अब होता क्या है, फुटबॉल में 16 खिलाड़ी होते हैं, 16 में से 9 प्लेइंग करते हैं और 6 एक्स्ट्रा बाहर बैठते हैं। फुटबॉल खिलाड़ी सारे जो टीम यहाँ बैठती है, एक टीम अंदर होती है, एक टीम बाहर होती है। और फुटबॉल खेल जो है वो इनिंग के हिसाब से खेला जाता है। एक इनिंग, दो इनिंग, तीन इनिंग का भी मैच हो सकता है, चार इनिंग का भी मैच हो सकता है। ये इनिंग के ऊपर डिपेंड करता है, टीम वर्क के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई सामने वाली टीम कितने समय में कितनी इनिंग खेल रही है। तो कैसे खेलते हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ। फुटबॉल खेल में एक टीम यहाँ बाहर होती, जो डिफेंसिव टीम है वो कैसे खड़ी होती है मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट जो खिलाड़ी होगा डिफेंसिव टीम का, फर्स्ट खिलाड़ी यहाँ खड़ा होगा, इसको पिचिंग बोलते हैं। पिचिंग जो क्रिकेट में बॉलिंग करते हैं वैसे ही यहाँ पिचिंग करते हैं। फर्स्ट खिलाड़ी यहाँ होगा, सेकंड खिलाड़ी यहाँ आएगा जो कैचिंग करेगा, थर्ड खिलाड़ी यहाँ होगा फर्स्ट बेस पे, फिर सेकंड बेस पे, थर्ड बेस पे, राइट आउट है, लेफ्ट आउट है और सेंटर आउट है। एक ऐसे शॉर्ट स्टॉप होता है, ऐसे करके 9 प्लेयर ऐसे खड़े होते हैं और जो टीम की बैटिंग कर रही है उसमें से एक खिलाड़ी यहाँ खड़ा होगा जो बैटिंग के लिए तैयार होगा। जब तक एम्पायर यहाँ से बॉलिंग प्ले नहीं बोले तब तक ये बॉल नहीं फेंकेगा और आपको बोले बैटर इन, तब जाके आप बैटर इन होंगे, आप यहाँ बैटर बॉक्स में अंदर खड़े होंगे। तो बैटर इन बोलने के बाद आपको खड़े होना है, तो बॉलिंग प्ले बोलने के बाद ये यहाँ से बॉलिंग करेगा। और इसमें रन कैसे कंप्लीट होते हैं कि जब यहाँ पर बैटर खड़ा है, उसने वहाँ से बॉल फेंकी है, इन्हें शॉट मारा है, तो अगर ये बैटर दौड़ के सेफ लाइन तक यहाँ फर्स्ट बेस पे आएगा तो बॉल को सेव हो जाएगा। और बॉल अगर बाउंड्री में है तो जैसे शॉट लगता है आपको दौड़ना है, अगर शॉट नहीं लगा और बॉल कैचर के हाथ में है तो इसमें जो बॉलर है वो 4 बॉल फेंकेगा और 3 स्ट्राइक फेंकेगा। अगर उन्हें 3 स्ट्राइक फेंक दी तो बैटर आउट है, और 3 बॉल फेंक दी तो यहाँ से बैटर बिना मारे फर्स्ट बेस पे सेफ हो जाएगा। अब इसमें रन काउंट कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ। राउंड काउंट ऐसे होंगे कि भाई बैटिंग फर्स्ट बैटर यहाँ आया, फर्स्ट बैटर सेव हो गया, फिर यहाँ सेकंड बैटर आएगा, सेकंड बैटर जब यहाँ आएगा उन्हें शॉट मारा तो इसको यहाँ से दौड़ना कंपलसरी, वो सेकंड बेस पे जाएगा, ठीक है। फिर थर्ड बैटर आएगा, उन्हें शॉट मारा तो यहाँ से इसको दौड़ना और इसको यहाँ से दौड़ना कंपलसरी है। जब यहाँ से ये दौड़ेगा तो जो फर्स्ट बैटर है यहाँ पहुंच चुका है और यहाँ से जो फोर्थ बैटर आएगा उन्हें अगर शॉट मारा तो यहाँ से इसको दौड़ के आना है, ये होम कहलाता है। तो जब यहाँ से फर्स्ट बैटर यहाँ से तीनों कंप्लीट करके यहाँ आएगा तो फर्स्ट रन काउंट होता है। इसमें फर्स्ट रन ऐसे काउंट होता है, फर्स्ट बेस, सेकंड बेस, थर्ड बेस, तो यहाँ से कंप्लीट जब यहाँ आ जाएगा बैटर तो उसका फर्स्ट रन काउंट होगा। और इसमें होम रन लेट रन कैसे काउंट होता है पूरा, जैसे क्रिकेट में 6 रन बाउंड्री पार हो जाती है तो 6 रन होते हैं, इसमें अगर बाउंड्री पार करी तो आपको एक ही रन मिलेगा, उसको होम रन कहते हैं, ठीक है। होम रन कैसे होता है कि बाउंड्री अगर पार कर देते तो आपको होम रन काउंट होगा। और अगर बेस पे खिलाड़ी खड़े हैं, तीनों पे लोड है और अगर आपने होम रन मारा है तो इसका भी रन काउंट होगा, इसका भी काउंट होगा और इसका भी, ऐसे 3 रन और आपका मिला कैसे 4 रन काउंट होगा। मतलब इसमें जब तक आपको फर्स्ट यहाँ से यहाँ तीनों बेस कंप्लीट करके यहाँ नहीं आओगे तब तक आपका एक रन काउंट नहीं होगा। और ऐसे में अगर तीन स्ट्राइक बैटर पीछे डाल देता है तो आप आउट हो जाएंगे, और ऐसे में कंटिन्यू आपके 3 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं तो पूरी टीम ऑल आउट होती है। और अगर आपकी टीम ऑल आउट हो जाएगी अब दूसरी टीम का ऐसे होगा, दूसरी टीम में भी सेम यही होगा कि 3 खिलाड़ी आउट है तो आपकी पूरी टीम ऑल आउट है। और इसमें इनिंग के हिसाब से होता है कि जो भी आपकी इनिंग पहली इनिंग में 2 रन बने, सामने वाली ने दूसरे ने 3 रन बना दिए, और ऐसे जैसे तीसरी इनिंग तक जाते जाते आपके रनों में डिफरेंस होता है, सामने वाली के 4 हैं आपके 3 हैं, तो सामने वाली टीम विनर होगी। और इसमें रन बनाने का एक ही है। आज के लिए इतनी, धन्यवाद।